Hi, welcome to Exam Pressure. This is Aasim from CLC Final Year Student. We are Virender. We are also CLC Final Year Student. In this video, we will study the freshers for the first semester exam preparation study. In the first semester, there are total 5 papers. In 5, one paper is your family law, one which is Hindu law and Muslim law. Both are combined groups. In this video, we will talk about family law 1 planning strategy. तो हमारे साथ वीरेंद्र हैं जिनका फैमिली लॉ 1 में 60 प्लस स्कोर हुआ है और लॉ फैकल्टी में 60 प्लस स्कोर करना एक प्रेस्टीज की बात होती है. तो इस वीडियो में ये अपने फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन के दौरान इनकी क्या प्लानिंग स्ट्रेटजी थी उन पे फोकस करेंगे. तो हेलो आसिम, कैसे हो आप? बस मैं सही हूँ. सबसे पहले सब कंग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट हु गॉट एडमिशन इन लॉ फैकल्टी. नो मैटर, डजंट मैटर कि आपका LC1 LC2 किसमें एडमिशन हुआ है, लेकिन सबसे पहले आप लॉ फैकल्टी में एडमिशन होना एक बड़ी बात होती है. हमें तब से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो तहे दिल से. तो फिर आप आसिम भाई, हमने बात हम बात करने वाले हैं फैमिली लॉ 1 के बारे में. फैमिली लॉ 1 में क्या स्ट्रेटजी आपने फर्स्ट ईयर में क्या स्ट्रेटजी आप चूज किया? तो आपने कब से स्टार्ट की पढ़ाई? आसिम भाई, मैंने स्टार्ट किया था नवंबर से स्टार्ट किया था मैंने, यानी कि दिसंबर में एग्जाम था, नवंबर में से स्टार्ट किया. हां, 1 मंथ पहले. हां, तब जाके सीटी ले आए. 20 दिन पहले भी आ सकता था, वो डिपेंड करता है स्ट्रेटजी को, स्ट्रेटजी क्या आपका पहले भी आ सकता है. तो आपने कौन-कौन से बुक पढ़ी? देखो, बुक की बात की जाए तो लॉ फैकल्टी के अंदर आपको सबसे पहले गीता होती है, जो लॉ फैकल्टी की होती है, वो केस मटेरियल समराइज फॉर्म होती है केसेस की. तो सबसे बेस्ट तो वही, तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, स्ट्रेटजी डिपेंड करती है आपकी, आप कितने टाइम पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. आपने केसमेट पढ़ा था? मैंने केसमेट बिल्कुल पढ़ा, मैं 40% केसमेट से ही किया था. केसमेट 40% केसमेट पढ़ा था? हाँ, 40% केसमेट, ये मान लो मैंने कम से कम 20 केसेस मैंने केस मटेरियल से ही किया था. तो इन्होंने लगभग 40% केस मटेरियल से ही पढ़ा था. बाकी किससे पढ़ा था आपने? बाकी फिर फैमिली लॉ 1 के अंदर एक बुक आता है पारस दीवान, पारस दीवान से किया था. पारस दीवान में ज्यादा नहीं, 3-4 टॉपिक ही किया था. तीन चार टॉपिक आपने पारस दीवान में? इसके अलावा भी कोई बुक आती है? इसके अलावा एक दुखी आती है, दुखी बेसिकली सिंगल्स और जैन दो दुखी आती हैं. वो इतना मैटर नहीं करता कौन सी आप दुखी लो, कोई दुखी ले सकते हो. यानी कि जिस तरह से ग्रेजुएशन में पास होने के लिए बुक आती थी केस पेपर, वैसे ही दुखी है आपकी? बट सीरियसली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दुखी जितना कम से कम प्रेफर करें, लेकिन एग्जाम के थोड़े दिन पहले ही अगर आप टाइम है तो बेस्ट रहेगा कि आप एग्जाम से एक महीना पहले पढ़ना स्टार्ट कर दें. केस मटेरियल पारस दीवान बुक की बात हो गई, तो ट्राई करें कि दुखी सिर्फ एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट के लिए आप उसको यूज़ करें. आपको आंसर राइटिंग कैसे करना उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँगा, आप सब कुछ ही दुखी से करके जाओ, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा. यानी कि बुक के रूप में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से केस मटेरियल है जो कि आपका मेन बुक होता है जो लॉ फैकल्टी आपको प्रोवाइड करती है. उसके अलावा पारस दीवान है, आप अदर प्रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं. उसके अलावा मुल्ला भी है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी लैंग्वेज भी थोड़ा सा. मैंने सिर्फ देखा था. हाँ, देखा था. यानी इन्होंने सिर्फ देखा था, देख करके ही छोड़ दिया. देखने लायक इतना मोटा बुक होता है वो, इतना मोटा मोटी बुक थी. वो रेफरेंस बुक होता है जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस यूज करते हैं उसके रेफरेंस के लिए. यानी मुल्ला अच्छी बुक है, अच्छी बुक है, लेकिन मोटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है. इसके अलावा अगर सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, सिर्फ एग्जाम पास करना है, तो उसके लिए दुखी सफिशियंट है. लेकिन मैं भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप सिर्फ दुखी पढ़ के एग्जाम में जाएं, क्योंकि सिर्फ मार्क्स लाना आपका मेन मोटिव नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से एक अच्छा एडवोकेट भी बनना है. तो थैंक यू सो मच.